साइमा अवान बलोक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में खैर बरकत, खुशियाँ और आसानियाँ रखे। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं एक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए जो है गुलबर्ग ग्रीन में, फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल गुलबर्ग ग्रीन में। और अभी मेरे साथ हैं इज़ा, मोईद और नाराज़ राफे, जिसको आइसक्रीम चाहिए और इसको हम कह रहे हैं कि वापसी पे आइसक्रीम ले लेना, लेकिन इसको भी चाहिए तो इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है। जी तो ये एक कंसर्ट है जस्सी सिंह लैलपुरिया का, और जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, सिख सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। पंजाबी सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं इनके, और होपफुली आप लोग इन्जॉय करेंगे हमारे साथ कंसर्ट को। और मेरे साथ रहिएगा और एंड तक मेरे व्लॉग को देखिएगा ताकि आप लोग भी ऐसे जो है वो एंजॉय करें जैसे आप भी मेरे साथ कॉन्सर्ट में मौजूद थे। तो थोड़ी देर के बाद ही सिंगर आ गए थे और यहाँ पे उनका वेलकम किया जा रहा है। ये सारी मैनेजमेंट है जो उनका वेलकम कर रही है और उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे हैं, बुके दिया जा रहा है उनको। तो हमने भी उनके वेलकम को कैप्चर किया और फिर उसके बाद जो है वो बाकी जो भी अरेंजमेंट्स थी उनको कैप्चर किया, उनकी वीडियो वगैरह बनाई और थोड़ी सी देर में फिर कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया था। जी तो ये हैं मोहम्मद चीमा, जो फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल गुलबर्ग ग्रीन के हेड बॉय भी रह चुके हैं। और इनके इंट्रोडक्शन में खास बात ये है कि परीजा ड्रामा इनके घर पे शूट हुआ है, तो अतीक इनसे मिलवा रहे थे और अपनी फैमिली का भी इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। और आए तो अच्छा भाई ये गल दसो अब्दुल राफे, हेलो, आर यू एंजॉयिंग राफे? हेलो हेलो इज़ा, अब्दुल मोईद, हेलो, सो यू गाइस आर एंजॉयिंग? ओके, सो द पार्टी इज ऑन नाउ। माय सन रिंकल रंधावा, इसकी माँ मुझे कहती सारी दुनिया की लड़कियों के लिए तूने गाया है, सारी दुनिया की लड़कियों के लिए तूने गाया है। सोनी कुड़ी साउथ हॉल दी नचे सारा लंदन तेरी टोर वेख के जग नाल कर लै कॉम्प्रोमाइज। हम आ गए हैं कॉन्सर्ट पे, बहुत मजा आ रहा है। मैं आपको अभी सारा व्यू दिखाती हूँ जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है और सब बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको सबसे मिलवाती भी हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज, ना बहुत ज़्यादा ठंड है बल्कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी, और हमने शॉल जैकेट्स वगैरह कुछ नहीं पहनी हुई। यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है और हम आ रहे हैं बॉनफायर को एंजॉय करने के लिए, और बहुत अच्छी लग रही है और इसमें ये और लकड़ियाँ ऐड करते हैं।
जो बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा है और खास तौर पर इसको कैप्चर करने के लिए राफे है। ये राफे की क्लास फेलो है। जी तो फ्रेंड्स, ये है ब्यूटीफुल कैंपस जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है। ये है फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल और ये इसका गार्डन है और ये इसका प्ले एरिया है। यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है। हियर इज द ग्राउंड और ये हो रही है बॉनफायर। So beautiful. और इस टाइम ये हीट इतनी अच्छी लग रही है। ये देखें तो अभी जो लोग जो हैं वो कॉन्सर्ट इंजॉय कर चुके हैं और थोड़ा थक गए हैं, वो अब बोन फायर को इंजॉय कर रहे हैं और इसकी हीट को इंजॉय कर रहे हैं। Such a beautiful weather. We enjoyed a lot. Hopefully आप भी enjoy कर रहे होंगे हमारे साथ साथ। Families आई हुई हैं, बच्चे हैं, students हैं। जो सिंगर आए हुए थे उनके सॉन्ग्स को तो सब एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन ये बच्चा जो फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल गुलबर्ग ग्रीन का स्टूडेंट था, मोहम्मद ताहा, सिक्स क्लास का स्टूडेंट है ये, इसने जो सॉन्ग सुनाए माशाल्लाह, इसकी वॉइस बहुत प्यारी थी, बहुत एनर्जी थी इसकी वॉइस में। और इनफैक्ट इसने जितने भी सॉन्ग सुनाए सबने इससे दो दो बार सुने, बहुत प्यारी आवाज़ थी। मैं आपको ज़रूर इसकी के सॉन्ग सुनाती, लेकिन कॉपीराइट का इशू है जिसकी वजह से मैंने इसकी वॉइस जो है वो बंद कर दी और वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे। प्यार भरी सत श्रीकाल, मैं थोड़ा जस्सी सिंह लायलपुरिया साइमा अवान ब्लॉक। मैं थानू सारे नू हाथ जोड़ के बेनती करता हैगा कि इनू सबसक्राइब भी करो और इहदी घंटी नू भी नप्पो और इनू चक दे फटे ते नप दे किल्ली लाहौर तो लैके दिल्ली। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको गाना सुन के बड़ा मजा आया, लाइवली आपको सबने, हम सबने बहुत पसंद किया। अच्छा मजे की बात ये है कि मुझे उर्दू आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन जितना भी क्राउड था सब उर्दू बोलने वाले थे। इस्लामाबाद डेफिनेटली इस तरह की क्लास है, लेकिन मैंने पंजाबी में गाया है, मैंने भंगड़े गाए हैं और इन्होंने हाँ, और इन्होंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया है, बहुत ज्यादा भंगड़ा डांस पार्टी और मैं इसको हमेशा याद करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हियर वी आर एट फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। यहाँ पे एक हमारे स्कूल में इवेंट हो रहा था जिसको बच्चों ने, फैमिली ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और एक कॉन्सर्ट था जो कि हमने ऑर्गेनाइज़ किया था इंटरनली और उसमें हमारे बच्चे शामिल थे स्कूल के ही, और बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया और बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक इवेंट रहा हमारा। तो आप थोड़ा सा हमारे स्कूल के बारे में थोड़ा बोलिए, आपको कैसा लगा, एटमॉस्फेयर कैसा लगा, स्टाफ कैसा लगा? बहुत अच्छा स्कूल है, मेरा तो बेटा भी इनफैक्ट यहीं पे पढ़ता है। स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वेलकम किया गया हमें और खाना बहुत अच्छा था, मज़े का था, कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था
और पूरा स्कूल अभी हमने विज़िट किया है माशाल्लाह, क्लासेस बहुत अच्छी हैं, स्कूल बहुत अच्छा है। और आप लोग भी जो गुलबर्ग ग्रीन के करीब इर्द गिर्द रहते हैं लोग, वो आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे डालें। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी पढ़ाई है और हमारे बच्चे तो यहीं पे पढ़ते हैं। यस, तो इसलिए आप लोग भी जो हैं वो यहाँ, और हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रमोट करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और इसी तरह हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। किसी और व्लॉग के साथ हम इंशाल्लाह और किसी अच्छे कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय।